तो आज हम लोगों की मांग है, सुन लीजिए तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, बीपीएससी पीटी एक शिफ्ट में पहले की तरह। ये दादागिरी है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस स्टेट में स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बीपीएससी हाय हाय, जैसे भी है हम लोग लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जितने भी ये बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, सभी लोग ऑटो पकड़ के हो, बस पकड़ के बीपीएससी ऑफिस पहुँचेंगे, ठीक है। एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया, परसेंटाइल नहीं हटाया, तो हम लोग अमर अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। बस तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जैसे नीतीश कुमार जी के लिए हम लोगों ने मुश्किल खड़ी की, वैसे आपके लिए भी खड़ी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी बीपीएससी ने जो नीति निकाली है कि एग्ज़ाम दो दिनों में लिया जाएगा, हालांकि जो परसेंटाइल सिस्टम है उसके लिए भी करीब विरोध कर रहे थे जितने भी स्टूडेंट हैं, और वो आयोग भी कहते हैं, आयोग ने बातें कही थी कि परसेंटाइल का सिस्टम तो कोई रहेगा ही नहीं। और बात बुधवार को फिर हमसे मिली और उसके बाद हम जो भी है वो उसके बाद फैसला लेते हैं, लेकिन पहले ही उन्होंने अखबार में निकाल दिया कि एग्ज़ाम आपका दो दिन में जो है वह उस तरह से ही लिया जाएगा। और इसके लिए दिलीप यहाँ पर आ गए हैं, और जितने भी दिलीप के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये लोग मार्च निकालेंगे यहाँ से। थोड़ा सा इन लोगों से ही बात कर लें कि आखिर लड़कियाँ यहाँ भी मौजूद हैं, सबसे आगे लड़कियाँ ही हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या है, आप लोग बीपीएससी के लिए बोला गया था कि बुधवार को मिलने की बात कही गई थी, तो फिर ये दादागिरी है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस स्टेट में स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। हम अपना तानाशाही करेंगे और इन लोगों को बताएंगे कि 20 और 22 को परसेंटाइल वे में मतलब एग्ज़ाम होगा जैसा हमने बोला था। इनको थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है स्टूडेंट के बारे में, थोड़ा सा भी होता ना तो हम लोग आज यहाँ खड़े नहीं होते। बीपीएससी हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी। लड़कियों ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि लड़कियां भी दरोगा हो या बीपीएससी हो यूपीएससी हो, हर जगह बढ़ चढ़ के वो भाग ले रही हैं और इस तरह से सरकार आयोग कर रही है। क्या कहिएगा? देखिए, मैं अर्चना सिंह, मैं गई थी वहां पर मिलने बीपीएससी चेयरमैन से मिलने, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं परसेंटाइल हटा दूंगा और उसके बाद मैं दो शिफ्ट एग्जाम के लिए मैं जो है कानूनी सलाह लूंगा। लेकिन ये तो तनाशा है, ये जो है अपने वचन से जो है वो मुकर चुके हैं और इसके विरोध में हम लोग खड़े होंगे, जहाँ तक हो सके लड़ेंगे। जैसे भी है हम लोग लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया कहीं भी देखें परसेंटाइल यूपीएससी एग्जाम में नहीं है, तो यहाँ पर क्यों लागू होगा? नोटिफिकेशन के बाद और एक एग्जाम भी हो गई है, उसके बाद फिर से नियम लागू हुआ, ऐसा नहीं होता है कि विज्ञापन के बाद कोई मतलब नया नियम लागू किया जाए। ये तो समझा कि हम लोग यहाँ से कहाँ तक जाइएगा? अभी तो हम लोग गांधी मैदान के पास रैली मार्च करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। को सुधारना है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे गांधी चौक होते हुए मुसल्लापुर जाएंगे, और मुसल्लापुर से सीधा निचल की रोड होके बिकना पहाड़ी होते हुए हथुआ मार्केट हुए गांधी मैदान जाएंगे, और गांधी मैदान से जितने भी ये बीपीएससी अभ्यर्थी हैं सभी लोग ऑटो पकड़ के हो बस पकड़ के बीपीएससी ऑफिस पहुँचेंगे, ठीक है। बीपीएससी ऑफिस पहुँचेंगे, और बहुत लोग बोल रहे थे, कल कमेंट कर रहे थे कि बीपीएससी ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं, दिलीप जी डर गए। तो दिलीप कुमार वो इंसान है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, किसी से नहीं डरता है। हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम सच के रास्ते पे चल रहे हैं, और सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते अगर मुझे अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बस आप लोग तैयार रहिए, अगर बीपीएससी ने हम लोगों की बात नहीं मानी, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया, परसेंटाइल नहीं हटाया, तो हम लोग अमर अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। बस बस आप लोगों का साथ चाहिए, और एक चीज और सरकार भी सुन ले, नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू हमने तो आपका बहुत हेल्प किया, हमारा जो भी मुद्दा था एजुकेशन का, सब मुद्दे को आपने अपने चुनावी एजेंडा में शामिल किया और उसी के बल पे आपको 70 से 75 सीट आई। लेकिन आज अगर आप उस मुद्दे को भूल जाइएगा तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जैसे नीतीश कुमार जी के लिए हम लोगों ने मुश्किल खड़ी की, वैसे आपके लिए भी खड़ी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है, छात्र हित से बड़ा हमारे लिए कोई हित नहीं है।
राष्ट्रहित बड़ा है सबसे, राष्ट्रहित से बड़ा कोई नहीं, छात्र हित से बड़ा कोई नहीं। हम किसी नेता के चमचे या अंधभक्त नहीं हैं। जो सही करेगा समर्थन करेंगे, जो गलत करेगा विरोध करेंगे। तो आज हम लोगों की मांग है, सुन लीजिए तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, बीपीएससी पीटी एक शिफ्ट में पहले की तरह, और परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं हो। और जो लोग भी अभी लाइव के थ्रू देख रहे हैं उन सबको बता दें कि अब हम लोग पटना कॉलेज से निकलेंगे, गांधी चौक होते हुए मुसल्लापुर हाट जाएंगे, और मुसल्लापुर से फिर गांधी मैदान जाएंगे, और गांधी मैदान से सब लोग ऑटो बस पकड़ के डायरेक्ट बीपीएससी ऑफिस पहुंचिएगा। जो लोग रास्ते में जहां भी हैं अपना पोजीशन देख लीजिए, किस तरह कहां आना है देख लीजिए। और जितने भी कोचिंग संचालक हैं उन सभी से आग्रह है कि अभी 11 बजे से 4 बजे तक कोचिंग बंद कर दें। कितना सहयोग मिल रहा है पटना के कोचिंग संचालकों से? बहुत सहयोग मिल रहा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।